वेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं अंसारी, आप सभी लोगों का एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? आज का एपिसोड एक कहानी के माध्यम से आप सभी लोगों को सुनाऊंगा। इस कहानी के किरदार जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार कहानी है जो आप सभी लोगों को मैं सुनाना चाहता हूँ। चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। कहानी के मुख्य किरदार एक्स एंटरटेनमेंट फरहान अख्तर। फरहान अख्तर एक ऐसे शख्स है जो फिल्मों के नाम पर बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं। एक फिल्म थी सारे जहां से अच्छा, जो कि आई डोंट नो कितने एक्टर्स के पास गई, शाहरुख खान के पास गई, आमिर खान के पास गई, एंड अंत में डिसाइड हुआ कि या फरहान कर देंगे ये फिल्म और हीरो फरहान अख्तर बन जाएंगे। वो आज तक कभी हुई नहीं। जीले जरा प्रियंका, कटरीना, आलिया, बाप रे बाप, पुरुष ही नहीं महापुरुष है भैया, इसमें महिला है, वो महिला ही नहीं महामहिला है। तो क्या ये फिल्म भी बड़े शोरों शोरों से यू नो आया, लॉन्च हुई, पोस्टर आया, ऐलान हुआ, धमाका हुआ, फिर क्या हुआ? जीले जरा गई खड्डे में, गई खत्म हो गई पिक्चर। हाँ, डॉन 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 डंग 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 छोटा डॉन रणवीर सिंह के साथ बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुई, वीडियो आया, क्यारा आडवाणी डॉन बनेगी, डॉन की बीवी बनेगी, जो भी बनेगी, डॉन का यूनिवर्स बन रहा है। क्या हुआ? जीले जरा। तो ये प्रोडक्शन हाउस जो है ना, उनके जितने भी सह पार्टी है, सह कलाकार है, ये सब बस नाम बड़े और दर्शन छोटे, ये किरदार है इनका। इसीलिए आई एम टॉकिंग अबाउट देम इन दिस टोन एंड यू नो, क्योंकि हमेशा इनकी अनाउंसमेंट्स होती है, फिल्म होती है, एक स्किप हो गया मस्ती में नाम, वो बाद में याद आएगा तो बताऊंगा, तो इनका ही चलता रहता है। बहुत सारी फिल्में ऐसे उस किरदार में एक जोया अख्तर भी आती है, जोया अख्तर, और क्या पब्लिसिटी हुई थी ना। रणवीर सिंह तो हर पिक्चर कर रहा है, अपरिचित का रीमेक रणवीर सिंह, डिपार्टेड रणवीर सिंह, शक्तिमान रणवीर सिंह, उसके शक्तिमान पे आएंगे, इंटरेस्टिंग अपडेट है, शक्तिमान रणवीर सिंह, अच्छा हाँ आदित्य धर रणवीर सिंह, तो जो भी पिक्चर मार्केट में वो सब रणवीर सिंह कर रहा है। एंड जोया अख्तर डिपार्टेड का एक हिंदी अडेप्टेशन बनाने वाली थी, अनफॉर्चुनेटली वो हुआ नहीं। जोया अख्तर, टाइगर बेबी एंड कंपनी, ये सब लोग जो है वेब सीरीज में आ गए। गली बॉय जो काफी अच्छी फिल्म थी, वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म, तलाश इज वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म, उसके बाद यू नो लक बाय चांस जोया अख्तर की वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स है, उसके बाद तलाश में भी शी वाज एक्टिवली इन्वॉल्व, ऑब्वियसली रीमा काकती भी थी उसमें। तो जोया अख्तर इज अ वेरी गुड डायरेक्टर, जो अभी भी वो फिल्म डायरेक्ट करते हैं, लेकिन उनका प्रोडक्शन एक्सेल का यहाँ पर कोई तालमेल बैठता नहीं, यहाँ पर एक्सेल एंड वो लोग भी जो है वो यहाँ पर नहीं है। नाउ द मैन इन क्वेश्चन इज आमिर खान। आमिर खान अभी भी 2024 और 2025 की ऑडियंस का पल्स नहीं समझ रहा है। उस दिन उनको पूछा लाइव में, आप पठान जैसी फिल्में क्यों नहीं कर रहे हो? तो आमिर खान बोलता है शाहरुख कर रहा है ना, वो कर रहा है ना पठान। अरे सर, शाहरुख कर रहा है वो अलग बात है, वो अपना करियर अगले लेवल पहुंचा दिया है। आप नहीं समझ पा रहे हो कि 2024 की ऑडियंस को अभी फिलहाल आप जैसी फिल्में करना चाहते हो ना, वो स्लाइस ऑफ लाइफ है ना, स्लाइस ऑफ लाइफ, वो स्लाइस नहीं चाहिए पब्लिक को। अभी पब्लिक है ना थिएटर को, थिएटर में स्लाइस कर देती है पिक्चरों का। देख रहा हूं ना, हाल ही में डिजास्टर थिएटर बंद हो गए सब, मानो जैसे चिल्ला के गैलेक्सी बन करके स्लाइस बेच रहा है अभी। तो यही बात है गाइस, यहाँ पर स्लाइस आमिर मामू समझ में नहीं आ रहा है उसको। हाल ही में कोई पोल हुआ, मैंने देखा था एक्स पर, के आने वाली फिल्में जो है उनके वर्डिक्स बताइए आप लोग, तो उसमें शॉकिंग सितारे जमीन का वर्डिक्स सब लोग डिजास्टर लिख रहे हैं, डिजास्टर, फ्लॉप, एवरेज, एक आदमी हिट नहीं लिखा है, क्योंकि ऐसी फिल्में जो है वो स्लाइस है, ड्रामा फिल्म वो नहीं चल रही आजकल। ये ना आमिर खान को नहीं समझ में आ रहा है ये बात। आमिर खान अभी भी वही दुनिया में वो बैठा हुआ है, वो केम फर्स्ट, अंडा और मुर्गी, ओत्री, वो अपना वही दिमाग लगाना, वही सबको लेके महफिल जमाना, आमिर खान प्रोडक्शन में वो फुटबॉल खेलना बैठकर, पूरी महफिलें जमाना, अपना सिगार पीना, वो वक्त गया, वो चमचागिरी का, वो शाही राजपाट, वो सब निकल गया अभी, सब एकदम प्रैक्टिकल बात करने का आज के जमाने में एकदम। अभी खबर आई कि जोया अख्तर एंड आमिर खान स्लाइस ऑफ लाइफ फिल्म बना रहे। क्या बना रहे? स्लाइस। ये तो प्रोड्यूसर्स का नया खेल है ही है। प्रोड्यूसर्स पब्लिसिस्ट को कोई खबर देता है, पब्लिसिस्ट उसको मार्केट में रिलीज करता है, उसको मालूम है मार्केट में आएगा, सब उस पर यू नो खबरें बनाएंगे, अपडेट बनाएंगे, फिर हम लोग एक गॉज करेंगे। गॉज न्यू वर्ड है आजकल, गॉज द रिएक्शंस ऑफ द ऑडियंस, गॉज इट। हाँ, तो गॉज में आई एम गिविंग यू गॉज, वॉच इट। ओके, ये सब फिल्में नहीं चलती सर आज के जमाने में। मिड लाइफ रोल,
तीस चालीस साल के आदमी का मिड लाइफ रोल जो है आमिर मामू फिलहाल करने वाले हैं। ये अभी न्यूज है जोया अख्तर की जो ये फिल्म है। फिल्म के बारे में और कुछ डिटेल्स है आप सभी लोगों को बता दो, ध्यान से सुनिएगा। स्लाइस ऑफ लाइफ फिल्म है, मिडिल एज्ड आदमी की कहानी है, यहाँ पर लाइट हार्टेड सब्जेक्ट है, ड्रामा है, इमोशन है, स्टोरी और कॉन्सेप्ट रेडी है, लेकिन यहाँ पर स्क्रीन पर रेडी नहीं है। आमिर खान का पता है ना, बाउंड स्क्रिप्ट ढूंढते हैं गए। यहाँ पर वो अख्तर को ऐसा किरदार चाहिए था जो कि एज के अकॉर्डिंग यहाँ पर किरदार निभाए। आमिर खान परफेक्शनिस्ट है, आज तक बिना स्क्रिप्ट के कोई कहानी वो करते नहीं है। तो आमिर खान ने जो है वो कहा है, वापस जाइए, स्क्रिप्ट बनाइए और मुझे आकर नरेशन दीजिए, तभी मैं आकर आपको एक फिल्म करूंगा। तो अब गाइज वो जो है अभी राइटिंग हो रही है पिक्चर की, स्क्रीन प्ले है, और अगर सब कुछ सही हुआ तो टाइगर बेबी प्रोडक्शन यानी कि जोया अख्तर का प्रोडक्शन हाउस एंड आमिर मामू का आमिर खान प्रोडक्शन जो है ये फिल्म जो है उसको आगे बढ़ाएंगे। आमिर खान प्रोडक्शन से और दो तीन फिल्मों की अपडेट्स मैं आपको कल लाके दूंगा। फिलहाल आमिर मामू आर एस प्रसन्ना की फिल्म जो है सितारे जमीन पे, क्योंकि बहुत ही हार्ट टचिंग फिल्म जो है होने वाली है, उसकी शूटिंग जो है यहाँ पर कर रहे हैं। ये फिल्म क्रिसमस 2024 पर डेफिनेटली आने वाली है आमिर खान प्रोडक्शन के अंदर। लाहौर जो सनी देओल की पिक्चर है वो भी रिलीज होने वाली है। एक वीर दास की पिक्चर है वो भी, उसकी शूटिंग जो है शुरू हो गई। आमिर खान के बेटे की पिक्चर जुनैद साई पल्लवी, उसकी शूटिंग जो है वो भी ऑलमोस्ट समाप्ति पर है। इसके बाद आमिर खान जो है राजकुमार संतोषी का कॉमेडी फिल्म करना चाहते हैं, वो करो कॉमेडी फिल्म करो, उसमें कोई हर्ज नहीं है। कॉमेडी बहुत चल रही है आजकल, समझ में आया, स्लाइस छोड़ दो। उसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर उज्जवल निकम की बायोपिक है बॉस, अगर वो फिल्म बनी ना वो फाड़ देगी। इसलिए हम बहुत छोटे हुआ करते थे, उज्जवल निकम आके यू नो प्रेस में कहता था इन मुजरिमों को सजाए मौत सुनाई गई है। इज अ वेरी हार्ड हिटिंग एडवोकेट उज्जवल निकम, बहुत पर्सोना। सुनने में भी आता था कि ताज होटल जो है वहां पर उनको टॉप फ्लोर उनके लिए बुक किया जाता था, इतना उनका पावर है, आर्ग्यूमेंट्स में वो कोई जीत नहीं सकता। तो आमिर खान अगर उनका रोल करेंगे तो काफी अच्छा होगा। बहुत लोग कमेंट में लिखते हैं कि गुलशन कुमार जी का बायोपिक का क्या हुआ, वो नहीं होने वाला भाई। वो बेचारा भूषण जी चाहते हैं वो फिल्म बने, लेकिन पता नहीं आमिर खान वो लेके बैठा है अपने पास, कब करेगा क्या नहीं करेगा। आमिर खान वो स्टाइल में अगर जिएगा ना जो इतने साल से जीते आ रहा है, तो हो गया फिर वो ऐसी जिंदगी चलते रहेगी आमिर खान की, और कुछ नहीं है। तो लेट्स सी गाइस, जैसे कुछ होगा वैसे पता चलेगा। फिलहाल आमिर खान जोया अख्तर की फिल्म जो है प्लान करने की यहाँ पर प्लान कर रहे हैं। आमिर खान जोया अख्तर पहले भी काम कर चुका है दिल धड़कने दो में, वो डॉगी तो था, उसकी आवाज आमिर मामू की थी यहाँ पर, समझ में आया। आप लोगों को नहीं पता आपको बता दूं, गली बॉय, दिल धड़कने दो, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, एंड यू नो लक बाय चांस आर वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म ऑफ यू नो जोया अख्तर। आई होप इस बार भी वो वापस से एक अच्छी फिल्म जो है हमें बनाकर यहाँ पर दे। वैसे सो मच कैप्टन, सभी लोगों को पसंद आया होगा, सो पसंद आया प्लीज को लाइक की शेयर की सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स सी आमिर मामू एंड जोया अख्तर की फिल्म मटेरियलाइज होती है या नहीं होती, या वैसे ही एक और फिल्म होगी जो अनाउंस होगी या फिर डब्बे में चली जाएगी, इसका इंतजार रहेगा। साइनिंग ऑफ, यू गॉट मी वेरी सून, एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।